वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल, और अब हम आंटी से पूछेंगे। आंटी, मुझे एक बात बताएं, आपका रिलेशनशिप आपके अम्मी के साथ कैसा? बचपन से? हाँ। बचपन का या बचपन का? हाँ। बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत ऐसी बच्ची थी, फरमा बरदार अपनी माँ के साथ। कभी मेरी माँ ने कहा कि आवाज़ दी है, दूसरी आवाज़ नहीं देनी पड़ी। बस वो दिन होता था, जो बात कह दी वो मैंने करना है। तो मेरा जो छोटा भाई था, मुझसे वाला छोटा, वो बहुत पिटता था, पिटता बहुत। तो अम्मी कहती थी ये मुझे मौका ही नहीं देती है कि मैं इसको मारूं या डांटूं। तो इस तरह था। और आंटी, आपके शादी के बाद, बच्चों के बाद वो रिश्ता और गहरा हुआ या फेड हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं शादी बच्चों के बाद, जब एक औरत खुद माँ बन जाती है तो फिर कहते हैं वो रोल चेंज हो जाता है। नहीं, वो मेरे ख्याल में तो और ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ मेरे लिए क्या तकलीफ, कितना किया और कैसे किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उसके बाद ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अच्छा आंटी, दोनों में ज्यादा नालायक कौन है ये तो खुल के बता दे भाई। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तो महवेश और अफशीन एक्चुअली मेरी दोस्त की बेटियां हैं, तो मेरी ये दोस्तियां ट्रांसफर हुई हैं, लेकिन शुरू तो कहानी यहाँ से हुई थी। बताएं, यही सवाल कर रही थी कि किस तरह क्या पूछा। आंटी देखिए, मैंने एक चीज हमेशा से देखी है कि अगर घर में भी कभी होते हैं ना, महवेश है ना, महवेश हमेशा आपसे एक मशवरा जरा करती है कि अम्मी नहीं ये यूं। मैंने देखा, अगर आप अफशीन देखे, अफशीन यार ये कर दो, अफशीन फौरन जाके रोबोट की तरह करती थी। महवेश थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करती है। हाँ, नहीं, महवेश घर के किसी काम ना करती है ना कर सकती है, तो इसलिए से कहना ही बेकार। नहीं, अच्छा अभी जब से वो कोरोना हुआ था, उसके बाद से ये हुआ कि नहीं, किचन में मैं करवा लूं। अच्छा, मैं अब आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बताता हूँ। महवेश और आंटी, आपको पता है जिस तरह मैं आपके घर में हूँ, महवेश हमारे घर में, हम लोग एक जो छह दोस्त हैं, हम सब की अम्मियाँ, हमारी अम्मियाँ एक ही है। जिस तरह महवेश और ये मेरे दोस्त घर पे आते हैं, तो बेधड़क मेरी अम्मी से कहते हैं कढ़ाई बना दे, ये बना दे, वो चाहे एक बज रहा हो चाहे दोपहर का एक बज रहा हो, वो फर्क नहीं होता। लेकिन है ना, उसी वक्त, लेकिन हम लोग आंटी छुट्टियों पर गए, मैं घूमने फिरने के लिए ना, तो हम लोगों का एक ग्रुप है दोस्तों का, उस दिन सब लोग उकताए हुए थे कि यार नाश्ता क्या करें। महवेश ने सिंगल हैंडेडली हम सारे फ्रेंड्स के लिए पाकिस्तानी ऑमलेट बनाया था, और बेहतरीन ऑमलेट बनाया था। मैं आपको बता रहा था याद है, किचन में उनको बीच किचन निकाल दिया। हाँ, और बीच फेसिंग था, और वहाँ पे मैंने सबके लिए बनाया। मैं भी क्या मसला है, क्यों मुंह उतरे हुए? मैंने कहा यार रोज ये खा खा के हम थक गए, मैं भी जगह डर, तुम सब ऑमलेट खाओगे, चलो मैं ऑमलेट बनाती हूँ। और आंटी बेहतरीन हो, इसके हाथ में मजा, ये कुछ भी बनाए ना। एक दिन इसने आलू भी बनाए थे, और मैं नहीं थी घर में, तो जाहिर है फिर इसने बनाए और सबने खाया, और बहुत ये अम्मी आपके लिए रखा है, देखा तो खत्म है ही नहीं। तो मुझे, मैंने ट्राई नहीं किया कि वो, मगर सब कह रहे बहुत सुना है।